हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान की वर्कशीट का फुल सोल्यूशन। दोस्तों, ये आपकी वर्कशीट खंडवा से दोस्तों ली गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास 8 साइंस की वर्कशीट का सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इन निर्देशों को पढ़ लेना है। इसमें क्या क्या निर्देश दोस्तों दिए हुए हैं, क्योंकि निर्देश पढ़ना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद दोस्तों खंडवा दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है। इसमें प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पोलियो सुरक्षा अभियान एवं टीकाकरण अभियान से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, आपको बचपन में अनेक रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के टीके दिए होंगे, अपने माता पिता या अभिभावक से पूछकर सूची के रूप में लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। आयु दिया हुआ दोस्तों, जन्म किस रोग से बचाव का टीका, तो जन्म दोस्तों जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको BCG का टीका लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों पहला दोस्तों दिया था इसमें जन्म, तो इसमें दिया हुआ BCG TB रोग से बचाता है। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, 1.5 महीने में OPV का दोस्तों टीका लगता है, इसमें पोलियो रोग से बचाता है। फिर इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है 3.5 महीने में IPV पोलियो रोग से बचाता है। फिर इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है PENT काली खांसी से बचाता है। फिर इसके बाद दोस्तों दिया हुआ 9 से 12 माह के बीच में ये टीका लगता है PCV का, तो ये दोस्तों टीका आपको निमोनिया रोग से बचाता है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन, संचरणीय रोग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर दिया हुआ है, संचरणीय रोग वे रोग हैं जो किसी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति से संचारित होते हैं। ये संक्रामक रोग हैं जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा, पल्स पोलियो अभियान क्या है, इसका उत्तर दिया हुआ है, इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके की 2 खुराकें दी जाती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर चौथा, पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे किस प्रकार दिया जाता था। उत्तर दोस्तों दिया हुआ इसका, पोलियो का टीका वर्तमान में ओरल वैक्सीन यह जन्म के समय दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे ड्रॉप के रूप में 2 बूंद पिलाई जाती थी। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5वां नंबर, क्या घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती है, यदि हाँ तो यह किस प्रकार रोग का संचरण करती है। इसका उत्तर दिया हुआ है, घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती है। मक्खी घर की रसोई में रखे किसी खाद्य पदार्थ पर यदि वह कई बार बैठती है और उड़ती है तो वह उतनी ही बार उसमें मल छोड़ती है। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन के उत्तर दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, इसमें बूझो व पहली का घर साला से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। बूझो के पिताजी उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से साला छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला जाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल से साला आने व जाने में 0.5 लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहली के पिताजी को कार से प्रतिदिन साला आने और जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। पहला पॉइंट दिया हुआ इसमें, आप अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर इनमें तालिका पूर्ण कीजिए। तो ये दोस्तों पहले कॉलम में क्रम संख्या दी हुई है। फिर इसके बाद दिया बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में, दूसरा दिया पहले के पिताजी द्वारा कुल व्यय डीजल लीटर में, 1 सप्ताह में 3.5 लीटर और इसमें दोस्तों 14 लीटर दिया हुआ है इस पहले के पिताजी द्वारा। फरवरी 2021 में 28 × 101/2 करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 14 लीटर और उसमें 28 × 2 करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 56 लीटर। इस प्रकार से दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए इसका उत्तर। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य
108 रुपये है। तो बूजो के पिताजी द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्चा होगा? तो ये दोस्तों होगा 378 रुपये का। दूसरा तीसरा पॉइंट दिया दोस्तों, वर्तमान में एक लीटर डीजल का कुल मूल्य 110 रुपये है। तो पहली के पिता द्वारा एक माह में कुल कितनी राशि का डीजल खर्च होगा? तो ये दोस्तों खर्च होगा 6160 रुपये। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा पॉइंट दिया हुआ इसमें, वायु प्रदूषण के कोई दो कारण लिखिए। पहला दिया हुआ उत्तर वनों की अंधाधुंध कटाई, दूसरा दिया हुआ परमाणु परीक्षण। दोस्तों नोट करिए कॉपी में अपनी इसका आंसर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के नाम, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, जैव ईंधन आदि। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।